Hello student, myself Pooja Pandey. Today we are going to learn about circle. Okay students, so chapter number 5, the circle. In your previous class you have read about the circle. So students, you know what is the shape of the circle? So it's round like a ball. Okay, make a list of such objects and make circle in your copy. So to make a perfect accurate circle, we use a compass. So students, this is a compass. Look at this activity 1. Drawing a circle with the help of a compass. हमें compass का use करके एक circle draw करना है. Okay? So, let's draw the circle. So, students, take the compass from your geometry box. Fix a small pencil in the space mean for holding the pencil in the compass. Okay? Now, spread the arms of the compass a little. Okay? So that you can rotate the arm with the pencil around the pointed arm of the compass, which you have kept fixed in the center of your notebook. You must be careful not to displace the pointed end from the center of your notebook. Okay, now students, this is known as a circle and this is your circle. Okay, now student, put a dot at the point at which you had fixed the pointed end of the compass. Okay, and name it as O. So students, आप अपनी कॉपी में एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और उस पॉइंट को O नेम दे दीजिए. Okay? Now, on the circle, mark many points like A, B, C, D, E, F and measure their distances from point O. So, students, आप circle में A, B, C, D, E, F कहीं भी points mark कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे किया A, B, C, D, E, F. Okay? And measure their distance from O point. आपको O से इसका distance measure करना है. Okay? With the help of scale. Okay. Their distance is from point O to A is 2.4 centimeter. Now students, इसी तरह से आप सभी point को measure कर लीजिएगा. Okay? Now students, look at this activity 2. Make a circle on piece of paper and cut out the shape of the circle from the paper with a pair of scissors. आप अपनी कॉपी पे पेज पे एक पेपर ले लीजिए और आप कितने भी सेंटीमीटर कितने भी मेजरमेंट का एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए. ओके? फिर विद द हेल्प ऑफ सीजर आप इस सर्कल को सीजर के थ्रू कट कर लीजिए. ओके?
ओके स्टूडेंट्स, तो इस सर्कल को सीजर के थ्रू कट कर लीजिए। ओके, तो इस तरह से आप इस सर्कल को कट कर लीजिए। ओके, इस तरह से आपका ये सर्कल ऐसा दिखेगा। नाउ फोल्ड द सर्कल इन सच अ वे दैट वन हाफ ओवरलैप्स। इस सर्कल को इस तरह से वन हाफ आप फोल्ड कर लीजिए। ओके, यह सर्कल, इसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। नाउ आपको दिख रहा होगा फिगर 8 के जैसा यह दिख रहा है। ओके, फोल्ड दिस सेमी सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आप इसे एक बार फिर से टू इक्वल पार्ट्स में फोल्ड कर लीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, फिगर 9 इस तरह दिख रहा है। नेक्स्ट, ओपन द पेपर एंड ड्रॉ लाइन्स ओवर द फोल्ड विद द पेंसिल। इस तरह से इस पेपर को ओपन कर लीजिए और इस पर जो लाइन इसमें दिख रही है उसे लाइन को यहां पर ड्रॉ कर लीजिए। ओके, इस तरह से ये दिख रहा है। नाउ मार्क दिस पॉइंट ओ। ओके, सो स्टूडेंट्स, मेजर द लेंथ ऑफ, आप इस पॉइंट को आप एक नेम दे दीजिए। ओके, नाउ दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एक्टिविटी 3। मेक अ सर्कल इन योर कॉपी विद द हेल्प ऑफ द कंपास। आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कल। इसी तरह से फिर एक आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी पे, किसी कितने भी मेजरमेंट का एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और इस पॉइंट को ओ नेम दे दीजिए। नाउ जॉइन द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल टू पॉइंट ए इन सच अ वे दैट एटलीस्ट वन लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू द सेंटर। अब इस सर्कल में किसी भी पॉइंट पर एक नेम दे दीजिए, मैंने दे दिया ए, और इसमें कई लाइन सेगमेंट्स आप ड्रॉ कर लीजिए। आप यहाँ पे कितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इस तरह से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इन्हें नेम दे दीजिए। ओके, नाउ मेजर द डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स दैट यू हैव ड्रॉन एंड नोट द मेजर्स इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट, और आप इन मेजर्स को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। और आपको यहाँ पर देखना है कि इन सभी लाइन सेगमेंट में विच इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट। ओके, दिस लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड कॉर्ड्स। लाइन सेगमेंट्स कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, दिस लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड कॉर्ड्स, जिसे हम कॉर्ड्स कहते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ एनी सर्कल इज डबल द लेंथ ऑफ द रेडियस। ओके,
diameter of this line, इसे हम क्या कहते हैं, diameter of the circle, okay? या रेडियस से क्या होती है, डबल होती है, ओके? इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड दिस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ओके स्टूडेंट्स? सो डायमीटर ऑफ एनी सर्कल इज डबल लेंथ ऑफ द रेडियस, इज डबल लेंथ ऑफ द रेडियस, ओके? Now students, perimeter of circle is equal to 2 pi r and diameter is equal to 2 multiply by radius, okay? Now students, exercise 5. So here the value of pi is equal to 22/7 and r is the radius of circle, okay? So draw circle of the given measure. आपको अपनी कॉपी में यहाँ पे जितना मेजरमेंट दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, आपको उतने मेजरमेंट का सर्कल बनाना है एंड आप फिर रेडियस भी मेजर करेंगे, वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए. नाउ ड्रॉ सर्कल्स ऑफ द गिवन मेजरमेंट्स. आपको फिर से यहाँ पर जितना डायमीटर दिया हुआ है उस मेजरमेंट का सर्कल ड्रॉ करना. नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन इज, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड ऑफ 6.4 सेंटीमीटर. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको सर्कल ड्रॉ करना है जिसका कॉर्ड 6.4 सेंटीमीटर है और रेडियस 3.2 सेंटीमीटर होगा. आप फिर से मेजरमेंट कर लीजिएगा. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर, ड्रॉ अ सर्कल हुज लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर इन लेंथ. आपको सर्कल ड्रॉ करना है और आपको उसका कॉर्ड मेजरमेंट करना है जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ओके? Now students, look at this question number 5. If the radius of a circle is 7 cm, what would be its circumference or perimeter? So यहाँ पर solution है question number 5 का. Radius of a circle कितना दिया हुआ है, 7 cm. Now इट्स सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है. सो यू नो, मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, इज इक्वल टू 2 पाई आर. सो पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 एंड आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ सर्कल, ओके? सो 7 and 7 cancel out, 2 multiply by 2 multiply by 44 centimeter is your answer, okay? Now students, आप यह exercise अपनी copy में complete कीजिएगा, okay? Thank you and thank you for listening.